Welcome to Rizvi's e-learning channel. तो आपने लास्ट देखा था कि हम लोग थ्री एड्रेस कोड पढ़ रहे थे पिछले टॉपिक में। तो थ्री एड्रेस कोड में हमने बताया था कि तीन एड्रेस कोड होते हैं, तीन रिप्रेजेंटेशन होते हैं उसके। तो उसमें से एक एक करके हम एक एक का चार्ट पढ़ते चलेंगे, एक एक के बारे में जानते चलेंगे। और ये एग्जाम्पल है, इसको कैसे इस चार्ट के थ्रू हमको बनाना है, रिप्रेजेंट करना है, इसको समझ लेंगे आज। तो पहला है हमारा क्वाड्रपल रिप्रेजेंटेशन, दूसरा था अकॉर्डिंग टू सिलेबस ट्रिपल्स, और चूंकि हमको कहा जाता है कि थ्री एड्रेस कोड में देखिए है तो सिलेबस में तो दो दिया हुआ है कि केवल क्वाड्रपल पढ़ लीजिए, ट्रिपल्स पढ़ लीजिए, लेकिन थ्री एड्रेस कोड तो हमको पढ़ना ही है। तो थ्री एड्रेस कोड पढ़ना है तो तीनों के बारे में हमें जानना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं क्वाड्रपल से। अब यहाँ पे ये क्या कहते हैं, क्वाड्रपल इज अ स्ट्रक्चर विथ फोर फील्ड्स। भाई इसमें चार फील्ड होती है ये बता रहे हैं, कौन कौन से फील्ड। ऑप, ऑप का मतलब हमने ये पढ़ाया था, बताया भी था कि ऑप का मतलब ऑपरेटर, आर्ग्यूमेंट वन, आर्ग्यूमेंट टू और रिजल्ट। ये चार फील्ड देखिए इसमें भी है ना चार्ट में, ऑप, आर्ज वन, आर्ज टू, रिजल्ट। ये आपकी जैसे नंबरिंग करते हैं तो उसकी लोकेशन ये बताएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ऑप इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट इंटरनल कोड फॉर ऑपरेटर, मतलब जो इंटरनल कोड होगा, जो ऑपरेटर का कोड ये होगा ऑपरेटर का, ठीक है। जैसे देखिए यहां पे यू माइनस है ना, ये देखिए यू माइनस, ठीक। तो इसी तरह यहां पे देखिए सेकेंड वाले में ये जो दूसरा T1 हमने ये यहां से शुरू किया जीरो से, अब T2 बन रहा है, तो ये सेकेंड स्टेज आई, मतलब यहां के हिसाब से जीरो से शुरू करेंगे तो यहां के हिसाब से फर्स्ट, यहां के हिसाब से ये वाला बन रहा है। तो इसमें देखिए ऑप जो यहां पे कह रहा है इंटरनल कोड फॉर ऑपरेटर, तो इसका इंटरनल कोड यहां पे क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है कि नहीं, मल्टीप्लीकेशन का सिंबल, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह देखिए इसमें तीसरे में ऑप का देखिए ऑपरेटर का यू माइनस, अब यू माइनस कहां से आया चार्ट में, यहां से आया ये यू माइनस, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, आर्ग्यूमेंट वन, आर्ग्यूमेंट टू आर रिप्रेजेंट टू ऑपरेंड्स, मतलब आर्ग्यूमेंट वन, आर्ग्यूमेंट टू हमारा दो ऑपरेंड्स को बताता है। कौन से दो भाई ऑपरेंड्स कौन कौन से चल रहे हैं इसमें देखिए, जैसे यहां पे ये ए है ना, ये देखिए यू माइनस हमने ले लिया था, ये यू माइनस और यहां पे ये ए है, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट वन ये ए आ गया, अब इसके साथ कुछ नहीं है ना, तो ये खाली हो गया। अब जब रिजल्ट, रिजल्ट में क्या होगा, किस लोकेशन पे हम सेव करा रहे हैं, देखिए इसमें लिखा होगा टू रिजल्ट ऑपरेंट फील्ड एंड रिजल्ट, देखिए ऑपरेंट तक हो गया था, एंड रिजल्ट फील्ड इज यूज टू स्टोर द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन, मतलब जो एक्सप्रेशन चल रहा है हमारा उसको हम कहां पे वो करेंगे, स्टोर करेंगे, तो वो है ये, यहां पे रिजल्ट आपका रहेगा जो इसी पे आप स्टोर करते जाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए यहां से एग्जांपल देख लेते हैं, अब ये कुछ आपको दिया गया है, अब इससे हमको ये चार्ट बनाना है, कैसे बनेगा ये अभी आपको पहले भी बताए कि यहाँ पे डेफिनेशन के फॉर्म में। अब यहाँ हमने लोकेशन शुरू की 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ऑप का हमने बताया था, ऑपरेटर बताया था ना आपको, तो देखिए ऑपरेटर इसका क्या है, इसमें ऑपरेटर क्या है यू माइनस, ये आ गया। T2 में ऑपरेटर क्या है, ये है, देखिए ये आया।
T3 में क्या है U माइनस आया, T4 में क्या है फिर ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, देखिए T5 में क्या है प्लस का है, ये देखिए X में क्या है, बस भाई यहां तक हमारा एक्सप्रेशन पूरा हो गया। तो अब ये यहां पे सिंबल क्या आया, ये देखिए, ठीक है अब समझ में आया। अब आर्ग्यूमेंट 1 आर्ग्यूमेंट 2, अब क्या है चल रही है आर्ग्यूमेंट देखते हैं। पहली आर्ग्यूमेंट, पहला इसमें कहा गया T1 U-A, तो पहला आर्ग्यूमेंट ये आ गया A, और कुछ तो है नहीं तो ये ब्लैंक हो गया। अब ये स्टोर किसमें कराएगा, ये देखिए T1 रिजल्ट आ रहा है ना, इसमें आ रहा है ना, तो इसमें स्टोर करा दिया। देखिए यहां पे लिखा है स्टोर द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन, ये इसमें स्टोर करा दिया। इसी तरह T2 का देखते हैं, T2 क्या कह रहा है, T1 मल्टीप्लाई बाय बी, तो T1 यहां पे ऑपरेंट ऑपरेटर आ गया मल्टीप्लीकेशन का साइन, यहां पे ये पहली आपकी वो है आर्ग्यूमेंट T1 और ये दूसरी है बी, ठीक है तो ये इसमें आ गई। अब स्टोर किसमें कराना है रिजल्ट में, T2 में, तो ये T2 में हो गया, ठीक। इसी तरह T3 वाला बनेगा, T3 वाला देख लेते हैं, एक लास्ट चीज ये भी देख लेते हैं कैसे बन रहा है। T3 में देखिए सबसे पहले लोकेशन हमारी गिवन है, ठीक है ये है। अब इसमें कह रहे हैं T3 है ना पहली आर्ग्यूमेंट दूसरी आर्ग्यूमेंट, तो ये है पहली आर्ग्यूमेंट T3, ये है हमारी दूसरी आर्ग्यूमेंट बी, और ऑपरेटर कहाँ है, ये लगा है ऑपरेटर, ठीक है। स्टोर किसमें कराना है, T4 में, यहाँ पे हमने T4 में स्टोर करा दिया, ठीक है रिजल्ट। अब इसी तरह आप T5 का निकाल लेंगे, फिर ये x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हमें लगता है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह अब हमारा बनेगा ट्रिपल्स का। ट्रिपल्स में क्या क्या रहता है, ट्रिपल्स में रहता है आपकी लोकेशन तो सबकी रहेगी ना, लोकेशन तो आप सब में देंगे कि मतलब कितने स्टेप्स में चल रहा है ये, जैसे ये देखिए 0 1 2 3 4 5, ठीक 0 1 2 3 4 5 लोकेशन सब में रहेगी। अब चलिए हम लोग पहले ट्रिपल्स का चार्ट बनाते हैं और डेफिनेशन समझते हैं तो समझेंगे। तो ये आपको समझ में आया होगा, अब नेक्स्ट हम लोग ट्रिपल्स देखते हैं। चलिए तो अब हम समझते हैं, अभी हमने समझा क्वाड्रपल्स, अब हम थोड़ा सा समझते हैं ट्रिपल्स के बारे में। ट्रिपल्स क्या कहता है, सेम एग्जाम्पल हमने पुराना वाला लिया है जो पिछली उसमें लिया था, और फिर उसके बाद उसी एग्जाम्पल को लेकर के हम ये सिंबल टेबल बनाने जा रहे हैं। पहले इसको ये समझते हैं कि ये कहता क्या है, इसकी थ्योरी क्या कहती है। इन दिस रिप्रेजेंटेशन, तीन रिप्रेजेंटेशन थे, 3 एड्रेस कोड, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, क्वाड्रपल, ट्रिपल, इनडायरेक्ट ट्रिपल्स, ठीक है। दूसरा रिप्रेजेंटेशन हमारा क्या कहता है, इन दिस रिप्रेजेंटेशन द यूज ऑफ टेम्पररी वेरिएबल्स, जो टेम्पररी वेरिएबल्स होंगे उनको हम अवॉइड करेंगे, हटा देंगे। भाई हमको क्या जरूरत है टेम्पररी वेरिएबल्स की, टेम्पररी वेरिएबल्स इज अवॉइडेड बाय किसके द्वारा, रेफरिंग द पॉइंट्स इन द सिंबल टेबल, जो सिंबल टेबल में पॉइंट्स दिए होंगे उससे के द्वारा हम जो टेम्पररी वेरिएबल्स हैं उनको हटा देंगे, ठीक। तो पीछे से हमने देखा कि यहाँ पे टेम्पररी वेरिएबल्स में T1 T2 ऐसे कुछ आ रहा था ना, तो हाँ, तो अब उसको हटा करके हमने या तो ब्लैंक कर देंगे या तो इसी टेबल का फॉर्म यहाँ पे उठा लिए, 3 है 3 उठा लिए, यहाँ पे ब्लैंक था उसमें, इस वाले में ब्लैंक था कि इस वाले में ब्लैंक था, तो उसका हमने उठा करके जो यहाँ पे ये है आपका आर्ग्यूमेंट हमने उसमें कर लिया, ठीक। उसी तरह है लोकेशन यहाँ पे बनानी है, लोकेशन मतलब नंबरिंग करनी है, 0 से शुरू होगा 0 1 2 3 4। ऑपरेटर हमको बताना है, इसमें ऑपरेटर आप पहचान ही लिए हैं, U- मल्टीप्लाई प्लस और यहाँ पे इक्वल टू। फिर उसके बाद इसमें आर्ग्यूमेंट क्या चल रही है, ए, आर्ग्यूमेंट ए दे दिया, आर्ग्यूमेंट टू कुछ है नहीं। इसमें आर्ग्यूमेंट क्या चल रही है, T1, तो भाई यहां कह रहा है कि टेम्पररी वेरिएबल्स को अवॉइड करना है, तो हमने अवॉइड कर दिया। जब T1 को अवॉइड कर दिया तो ये आ गया 0,
ठीक भाई, जब अवॉइड कर दिया और यहाँ कुछ है ही नहीं तो हम जीरो डाल दिए। और दूसरा वेरिएबल हमारा आर्ग्यूमेंट क्या है, बी, तो ये बी यहां आ गया। बोलिए ये इससे ये पूरा चार्ट बना लेंगे अब आप, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए तो फिर हमने आज पढ़ा दो, हमने इंप्लीमेंटेशंस पढ़ लिए, एक क्वाड्रपल और एक ट्रिपल्स। ठीक, अब कल की क्लास में हम लोग इनडायरेक्ट ट्रिपल्स भी पढ़ेंगे, सेम एग्जाम्पल को लेकर के सेम थ्योरी देखा जाएगा। थ्योरी इसकी अलग हो जाएगी, तरीका इसका अलग हो जाएगा कि उसमें क्या करना है। जैसे क्वाड्रपल्स में हमको सारी चीजें लेनी पड़ती थी, लोकेशन आपका, ऑपरेटर, फिर उसके बाद आर्ग्यूमेंट वन, आर्ग्यूमेंट टू, फिर यहाँ पे रिजल्ट जहां पे हम स्टोर कराया करते थे। उसी तरह ट्रिपल्स में अब हम अवॉइड करते हैं, ठीक है, जो टेम्परेरी वेरिएबल्स हैं उनको अवॉइड करके यहाँ पे बनाते हैं। फिर अब जब हम लोग आएंगे इनडायरेक्ट ट्रिपल्स में तो उसमें क्या बदलाव होगा, सेम एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।